शुरू कर दिया था इन लोगों ने, सेटअप अपना बिठा दिया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हैं कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आमीन। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं आप लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। ये भी रात को बिरयानी बनाई थी और मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। सुबह ये हम लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आज जो है पराठे बनाए थे। दाऊद जो है ना वो बड़ी अजीब अजीब आजकल हरकतें करते हैं, शक्लें बनाते रहते हैं। तो आज ही आप लोगों को होम टूर करवाएंगे और जिस घर को हम लोगों ने पसंद किया है, जो है हमारा, उसका रेंट भी बताएंगे आप लोगों को वीडियो में। आप लोग सुन के जो है ना परेशान ही हो जाएंगे कि हैं इतने छोटे घर का इतना रेंट है। छोटा नहीं है मतलब, लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा है ना, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और जी ये बातें भी करेंगे बीच में, बच्चे हमारे जो है उनको कैसा लगा, वो क्या चाहते हैं। तो ये जो सामने अभी जो आपको ये ऊंची सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसमें भी हम लोगों ने फ्लैट देखे थे जो कि बहुत खूबसूरत बने हुए थे, लेकिन ये और ज़्यादा महंगे थे। लेकिन बिल्डिंग जो है ना बड़ी अच्छी लग रही थी, प्यारी सी। तो हम लोग जो है वो आजकल, वैसे मौसम अभी तो खैर गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई, अच्छा ही है मौसम। और बच्चे जो है ना आजकल बैक सीट पर भी बैठते हैं, शरारतें बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन जो है ना बैठ जाते हैं। दाऊद जो है ना वो आराम से साइड पे बैठा होता है, लेकिन जब उसको सुलेमान तंग करता छेड़ता है तो फिर आगे से वो भी मारते हैं। और मैंने पहले भी आप लोगों को जो लास्ट वीडियो में फ्लैट दिखाए थे, यहाँ पे घर तो बहुत खूबसूरत, नए नए भी बनाते क्या थे। देखने आयो? होम देखने? ये वाला होम अच्छे? ये बिल्डिंग बिल्डिंग है? ये रहा ना, ये बिल्डिंग आगे नहीं है, इसको क्या रखते हैं जी बच्चे? अड्डा ने क्या को अच्छा नहीं है? मुझे मेरी बिल्डिंग इसमें भी है बच्चे, प्लेरिया है आप। अच्छा मैं बता रही थी कि रेंट बहुत बहुत ज़्यादा है। ये वाली बिल्डिंग है, इसकी बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लैट है। ज़्यादातर जो है इसके अंदर वन बेडरूम है और टू बेडरूम, थ्री बेडरूम जो है ना वो गिने जो नहीं है, कम है। लेकिन इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे बच्चों को जो है ना वो भूख लग जाती है, प्यास वगैरह, तो जूस जो है मैं इसने साथ रखे होते हैं जूस इनको देने के लिए, वरना गाड़ी में तो पागल ही कर दें। तो यहाँ पे इन्होंने कहा चलें, पहले मैंने कहा चलें ठीक है जूस वगैरह पी लें, ताकि ये आराम से जो है मैं वीडियो भी बना सकूँ और आप लोगों को होम टूर करवा सकूँ। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये होम कैसा लगा, और मुझे आपने अपनी राय ज़रूर बतानी है इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें जी चलते हैं। आ जाओ ना, इधर आओ, मत करना। चलें जी हम लोग पहुँच गए, आ जाओ दाऊद, ऊपर से आओ ना, नीचे मट्टी है ना बच्चे। हम लोग आए बहुत इधर खुला। अच्छा जी, मैं आप लोगों को जो है ना वो थ्री बेडरूम दिखाऊंगी, जो कि हमें थ्री बेडरूम ही लेना था। ये जो है ना किचन है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन बस सही, अच्छा है, साइज़ वगैरह सही है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें विंडो भी थी, आप बाहर से भी देख सकते हो, खोल भी सकते हो हवा, अगर आपको ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश हवा चाहिए। यहाँ पर बड़ा फ्रिज भी आ सकता है, ये जो है ना मीडियम साइज़ का था। उसके बाद जी ये बहुत प्यारा जो है ना सजाया हुआ था, और बच्चे जो है ना उनके लिए बिल्कुल ही न्यू चीज़ें लग रही थी। मैंने कहा यार जब हमने रहना हुआ तो हम तो ये सब कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि दाऊद ने तो एक दिन में ही तोड़ देनी है। तो ये अच्छा वॉशरूम भी बहुत ज़बरदस्त है, ये जो है ना ये हॉल के साथ वॉशरूम था, अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो ये उनके इस्तेमाल के लिए था। लेकिन इसके साथ ही जो है ना वो गेस्ट रूम भी है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो वो ये साथ में ही रूम था।
जो कि बहुत ज़बरदस्त थोड़ा सा फैंसी बनाया हुआ था और उसके अंदर भी जो है ना वॉशरूम था। अच्छा, मैं आपके अब इससे पहले भी मैंने बहुत सारे फ्लैट वगैरह आप लोगों को दिखाए हैं, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछते रहते थे, तो इस फ्लैट का रेंट भी जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, फिर कॉमेंट में पूछते हैं क्या रेंट होता है, तो रेंट वगैरह मैं वीडियो में बता देती हूँ, लेकिन आप शायद वीडियो स्किप करते हैं फिर आपको पता नहीं चलता। उसके बाद ये जी बच्चों वाह, ये होमवर्क करने को अपने हार दिए, तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह बहुत ये होम है, ये दाऊद का छोटा सा होम। अबे हादी यहाँ पे सोएगा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है यार, बस आप लोग दुआ करेंगे जो हमारे किस्मत में हो, क्योंकि इस फ्लैट को देखने के बाद ना बिल्कुल नहीं दिल कर रहा है कोई और देखने का, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, रेंट बहुत ज़्यादा है वो भी मैं बताऊँगी जी। बच्चे अभी हम लोग पूछेंगे रेंट क्या है इसका, दाऊद आप उस होम में चले जाओ, ठीक है? अच्छा बच्चे जो है ना वो बहुत जी आ रही हूँ बाबा, अच्छा जी मुझे आवाज़ें दे रहे बच्चों को, उनके पास मैंने छोड़ा हुआ था, तो ये जो है ना ये बच्चों के वो रूम के साथ वॉशरूम था, इसमें जो है उसका फुल ऑप्शन था और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद ये है मास्टर बेडरूम जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, हम लोग बाद में वीडियो देख के इतना ज़्यादा हम लोग बाबर हम हंस हंस के बुरा हाल हो गया हमारा। मैं जो है ना वहाँ बेड वगैरह पर बैठी थी और मैंने कहा आपने दादी से कि आप मेरी वीडियो बना दो, तो हम हंस रहे थे, मैंने कहा उस बस एक लम्हे के लिए मुझे लगा था बस अब हमने ना इधर ही रहना है, छोड़ना नहीं है, तो रेंट जो है ना बहुत ज़्यादा था, जो कि हम तो परेशान ही हो गए सुन के इनके, यार कुछ कम कितना कम करेंगे यार, इतना देखते हैं बात करते हैं कितना काम करते हैं, तो इसके अंदर जो है वह कबर्ड वगैरह अलमारियाँ सब जो है ना लगी थी, तो यहाँ से बाबर बहुत हंस रहे थे कि तुम जो है मज़े से जाकर बैठ गई हो, अपनी वीडियो भी बना ली है, अब तो हारी से तो है ऐसी ही बंदी थी, थ्री बेडरूम था, उसके बाद टू बेडरूम भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन टू बेडरूम जो है ना वो काफ़ी छोटा लग रहा था हमें, तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं अगर लेना है तो थ्री ही लेंगे इंशाल्लाह। तो इनमें आप लोगों से जो है वो अपनी अपने व्लॉग्स में डेली रूटीन में शेयर करती रहूँगी कि हमें जो है कौन सा फाइनल करना है, जब फाइनल करेंगे तो फिर आप लोगों को इंशाल्लाह मैं होम टूर फिर भी करवाऊँगी, इससे पहले जो हम अबू धाबी में रहते थे मैंने वो भी आप लोगों को होम टूर करवाया है। उसके बाद ये बहुत अच्छा उसमें ऑप्शन था कि इतना बड़ा हॉल बनाया हुआ था, वो कह रहे थे कि अगर जो बिल्डिंग में रहने वाले होंगे ना तो वो अगर कुछ ना पार्टी शार्टी करनी है, सालगिरह बनानी है बच्चों की किसी की भी, तो वो यहाँ पे बुक करवा सकते हैं, फ्री में करवाएंगे लेकिन ये जो रहते हैं यहाँ पे उनके लिए। उसके बाद हम लोग छत पे आ गए थे और छत पे कह रहे थे कि अभी 2 महीने लगेंगे, काम जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर प्ले एरिया बनाएंगे बच्चों के लिए, ऊपर जो है उन्होंने बारबेक्यू का सिस्टम पूरा बनाया हुआ था, वो भी हमें बहुत पसंद आया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, इसलिए जो है ना रेंट बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे पौधे वगैरह लगा रहे थे तो हमें जो है ना छत भी बहुत अच्छी लगी थी कि बंदा रात के टाइम शाम के टाइम ऊपर आए तो पूरा जो है आपको व्यू भी नज़र आएगा और जो है वो अच्छा भी लगेगा। तो अभी है ये तो मैंने 2 दिन हम लोग पहले ही देख कर आए हैं, आज जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप सब पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो भी घर देखूँ जो भी रेंट बताएँगे तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी, कुछ छुपाना नहीं है आप सबसे, ताकि आप लोगों को जो यहाँ दुबई में रहते हैं, दुबई से बाहर कोई भी अगर कोई आना भी चाहता है तो उनको भी पता चल जाए। ये जिम भी था, ये हर जिम तो हर ही बिल्डिंग में होता है, अभी जिसमें हम रहते हैं इसमें भी है, ये जो है वो बारबेक्यू था। तो अच्छा मैं यहाँ से दाऊद से पूछ रही थी, दाऊद बच्चे तो बहुत खुश थे भाई, वो तो कह रहे थे बस आज ही इसी होम में आना, ये होम ज़्यादा अच्छा है जिसमें। क्या हुआ बाबा, भूल गए? बातों में ना रास्ता ही भूल गए, कच्चे रास्ते पे आ गए हम लोग। ऐसे नहीं करे, वो सामने कौन से है उसी के अंदर वो बना देंगे। अपनी मर्जी की चीजें चीजें देख ली, अब हादी तो भाई उसने तो बोल दिया था कि मैं क्या कर रहे थे ऐसे नहीं करे, मुझे अच्छा लगा ये। 600 meters,
रेंट पे चले। रेंट मैंने अभी अपनी मम्मी को बताया नहीं है ना, 85,000 रुपये इसलिए है वो रेंट है भाई। आप लोगों ने जो दिखाया है फ्लैट हम लोगों ने उसका जो है चलो है 80 तक कर देंगे ना, 80 बिना केस में काम करवा के। जो जो चीज़ अच्छी है तो वो फिर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 85 है। ये सामने जो है मैक है यहाँ पे। चलो यहाँ देखते हैं, अल्लाह बेहतर करे सब। बच्चे खुश थे ना बच्चों के लिए। अब हाजी आपको पसंद आया था ना? नहीं मैं आपकी मैंने सुनी है ना आप लोगों की वीडियो बनाई है आप खेलने खेलने में ले जी बच्चे। अब हाजी यार पता नहीं क्यों लेकिन ना इस फ्लैट में ना सिर्फ एक हॉल की वजह से, हॉल छोटा था हॉल बड़ा नहीं था, इनको हॉल बड़ा रखना चाहिए। हालांकि कहने को तो वो लड़का बोल रहा था कि देखिए हॉल कितना बड़ा है यहाँ से ये आप मतलब नहीं वैसे पल्स वाला का हॉल ज्यादा बड़ा था ना, उनका तो मतलब मैं ही कह रहा हूँ कि इनको हॉल बड़ा रखना चाहिए था फ्लैट का, कि फ्लैट भले जितना भी बड़ा हो आप बड़ी बड़ी बालकनी बना दो और हॉल छोटा हो तो फिर वो नहीं अच्छा लगता, छोटा ही लगता है वो फ्लैट। सही बात है, दोनों तरफ इसके इतनी बड़ी बड़ी बालकनी है तो क्या करेगा बालकनी, जंगल ही तो है। हाँ इसमें तो खड़ा नहीं कोई भी बैठ सकता, दरख्त वगैरह नहीं है जंगल क्यों कह रहे हैं, वैसे तो मुझे सोचा था रमजान के लिए करूँगी, अब देखे कुछ ये क्या है बाबा अशीष ने कहा देखिए। So tell me about Arnica, Walden, Santa Paula. मैं भी यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से मैं दो पापा जा रहे हैं ना मस्त। आपकी क्या खाएंगे दाऊद? आइसक्रीम खाएगा मेरा मुन्ना, यहाँ से जो है ना। अच्छा जी हम आपसी में समय ना ये दाऊद और सुलेमान गाड़ी में डांस कर रहे थे, तो चलें जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है कि जो हमारे हक में बेहतर हो अल्लाह हमें वो घर ज़रूर दे, क्योंकि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम 2 बेडरूम या 3 बेडरूम जो हमारे लिए मुनासिब हो हम वही लेंगे, क्योंकि अभी हम जो है ना 1 बेडरूम में रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।